अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वीडियो मैंने एक दो वीडियो मैंने बनाई, बड़ी अच्छी सी बन गई थी, लेकिन क्या हुआ कि हमारे घर गेस्ट आए, कुकिंग मैंने स्टार्ट की, बट जब वो मेहमान आए हैं मैंने उनके वो उसके बाद मतलब इतना मैं बिजी हो गई कि मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने बाकी भी उस व्लॉग को कंटिन्यू करना है। खैर, उसको फिर मुझे फौरी तौर पे रोकना पड़ा। तो आज जो एक दो मैंने अपने कमेंट्स पढ़ ली थी, जो मुझे एक दो कमेंट्स मिल कुछ कमेंट्स में पढ़ ली थी कुछ लोगों के, ख़ास तौर पे अपनी कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं उनके भी और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं अपनी लिपस्टिक कलेक्शन दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज मैं अपनी लिपस्टिक कलेक्शन दिखाती हूँ। तो ये वो लिपस्टिक्स हैं जो कि मेरी फेवरेट हैं, मतलब जो शेड्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैं आम तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेरी जो लिपस्टिक हैं वो पाकिस्तान की नहीं है, आप देख रहे होंगे, जो कि मेरी सिस्टर और मेरी मदर्स ने ही मुझे बेचती हैं, क्योंकि एसेंस वालों की हैं। एसेंस ये वाला ब्रांड, मे भी मेरा कैमरा फोकस कर रहा होगा, ये वाला ब्रांड है एसेंस वालों का, और ये यूरोप में इसी की ज़्यादा कॉस्मेटिक्स बेस्ट लगती हैं। तो खैर, ये देखें, ये भी मेरी फेवरेट कलर है, पिंक। अच्छा सा पिंक कलर है ये। इसके अलावा एसेंस इसी ब्रांड का एक और मेरे पास शेड है, वो कुछ इस तरह का है। एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी जितनी भी मेरे पास लिपस्टिक्स होती हैं वो मैं यूज़ करती रहती हूँ, इसी ब्रांड की और दिखाऊंगी। ये इसको देख के और इसके शेड को देख के, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कितनी यूज़ किया, ये मेरा कितना फेवरेट कलर है, देखें कितना अमेजिंग कलर है। सो ये है ये वाला कलर। अब मैं इनके वो इस तरीके, फिर इसी ब्रांड के ये दो शेड भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी इसी ब्रांड के हैं, ठीक है। और ये दोनों भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त शेड्स हैं, और इनके जो है ना, ये देखिए, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं और ये दोनों ही एसेंस के हैं, अच्छे से कलर हैं, ज़बरदस्त। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मतलब वैरायटी में होती है कि मैं मोस्टली मतलब मैं क्या करती हूँ, लगाना या जॉब करती हूँ, मुझे कॉलेज पढ़ाती हूँ जाना होता है, डेली लिपस्टिक तो यूज़ होती है। ये भी इसी ब्रांड का है लिपस्टिक है, और इसका ये शेड है ब्राउनिश में, देखिए कितना। और ये शेड जो है ना, ये ना सिर्फ ये थोड़ा ब्राउन बल्कि इसमें एक शिमर टच भी आता है, प्यारा सा रेड कलर है, बहुत प्यारा सा रिच रेड कलर, देखिए कितना प्यारा है ये वाला। और मैं मतलब ये भी इसी ब्रांड की लिपस्टिक है मेरे पास, और इसका एक अपना ही प्यारा सा शेड है लाइक ये। तो जब जितने दिन, तो कोई भी वो लिपस्टिक्स जो कि मेरे ड्रेसिंग में पड़ी रहें सामने, वो यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ये होता है जब मैं सुबह जाती हूँ तो बहुत मेरे को जल्दी होती है, और कभी कभार ऐसा होता है, अदरवाइज़ फिर जल्दी में जो मेरे पास सामने लिपस्टिक आ जाती है या मैं समझती हूँ कि ये मेरे सूट के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो मैं जल्दी से लगाती हूँ और चले जाती हूँ। ये भी एसेंस की ही है, और ये इसको देख के, इसकी हालत को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने ये कितना यूज़ की है अपनी ये वाली लिपस्टिक। इसको मैं बैक साइड पे रखूँगी, और ये मैंने कम में यूज़ करती हूँ,
ये देखिए कितना जबरदस्त, ये पर्पल शेड में है। ये देखिए ये वाला शेड और ये वाला शेड, ये दोनों ही जबरदस्त है। अब मैं ये दिखा रही हूं तो अपने हाथ और मजीद नहीं गंदे करूंगी। इसी तरीके से ये भी यही ब्रांड है और ये लिपस्टिक है, इसका ये कलर है। और गाइज ये है, ये भी मेरी जर्मनी की लिपस्टिक है। अच्छा सा कलर है, रेड कलर है, अच्छा सा कलर है। और यूजली होता है कि ये ना इतने वो इस तरह के शेड बड़े कम मिलते हैं। ये वाला शेड देखिए किस कदर प्यारा है। ये मेरा ये वाली लिपस्टिक है, अच्छा सा कलर है भाई, मैट में। हाँ जी, तो एक ये इसका, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। लेकिन इसमें पता क्या है, ये मैं क्या करती, इसका ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी, यहाँ से हम लोग कलर शेड फोरी देख के यूज़ कर सकते हैं। हर लिपस्टिक का जो लिड है वो मैं उसके बैक साइड पे रख रही हूँ ताकि बाद में मेरे को मसला ना हो। ये भी बहुत अमेजिंग है, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं और अपना हाथ खराब करूँ। ये देखें ये वाला, तो ये वाली लिपस्टिक मेरी ये है। और अभी एक यहाँ पे थी ये भी, इसको भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं यूज़ करती हूँ ये वाला कलर भी। खैर ऐसे ही, ये भी मेरी जर्मनी की लिपस्टिक है और ये मेरी इतनी हुई फेवरेट है कि इसको जस्ट एक साल पहले ये मेरे को मिली थी और बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है। ये भी वही है। अच्छा एक ये लिपस्टिक बहुत प्यारी है, ये भी शेड बहुत प्यारा है, लेकिन ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। इवन कि ये हो चुकी है लिपस्टिक, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिपस्टिक है इसलिए इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। हालांकि ये वाली लिपस्टिक मेरी फिनिश हो चुकी है, मतलब यूज़ कर चुकी हूँ। ऐसे ही ये वाली लिपस्टिक, ये भी मेरी बड़ी फेवरेट है और इसको भी मैंने मतलब क्या कहें कि यूज़ कर कर के ख़त्म किया है। ये भी मेरी एक ये लाइट पिंक सा शेड है, ये भी बहुत अच्छा है। इसको इसलिए यूज़ नहीं करती, ये वो है थोड़ा शिमर में आ जाता है, तो इस वजह से ये शेड मैं कम यूज़ कर रही हूँ, जो कि मतलब मेरी सारी ही वो ब्रांडेड है ये पूरी लिपस्टिक कलेक्शन। अगर मैं इसमें पिंक एक साइड पे, ब्राउन एक साइड पे करूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी कोई कलर बहुत रेयर है कि एक दूसरे के साथ मैच, अदरवाइज सारे ही डिफरेंट शेड्स हैं। ये वाला शेड और ये दोनों तो इतना कोई यूज़ कर चुकी हूँ, पता नहीं क्या है, जब भी जल्दी में होती लिपस्टिक लगानी होती है ये लगा लेती हूँ या फिर ये लगा लेती हूँ। ये दो ऐसी मेरे सामने आई हैं बेचारी, अब ख़त्म होने वाली होगी। अच्छा अब जो मैं लिपस्टिक्स दिखाने लगी हूँ ना, ऐसा ही हुआ कि मैं किसी को ना दिखा रही थी लिपस्टिक ये वाली, और पता नहीं क्या हुआ मैंने लिपस्टिक दिखाई, यकीन माने ये देखें अभी मैंने यूज़ नहीं की, जस्ट दिखाई, उसके बाद मैंने अपनी सारी चीज़ें कॉस्मेटिक्स की वाइंड अप कर दी। फिर जब एक दिन मेरे को ज़रूरत हुई मैंने ओपन की तो इसके अंदर से लिपस्टिक गायब, तो ये अब मेरे पास ये वैसे ही उसी की याद में पड़ा हुआ है। अच्छा कुछ मेरे हैंडबैग में भी होती हैं लिपस्टिक्स जो कि मैं रखती हूँ। ये देखिए ये रेवलॉन वालों की है, ये रेवलॉन वालों की है, ये दो शेड्स हैं इसके, और इनको देख के ना आप इस चीज़ को देख के मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कितने रेवलॉन के ये दोनों शेड्स कितने यूज़ हुए हैं। अच्छा थैंक यू बेटे, ये देखिए मेरे बेटे ने मुझे जल्दी से ये पकड़ाई है कि ये नीचे ये रेवलॉन वालों की है। ये मेरी लिपस्टिक बहुत बहुत अमेजिंग है, इसका शेड भी बहुत प्यारा है। और इसके अलावा अच्छा एक ये देखिए ये वाली जो है ये किस ब्रांड की है, मैं पढ़ लूँ, ये जो है ये मुझे गिफ्ट मिला था
मेरी किसी फ्रेंड ने दिया था, ये दुबई से वो लेके आई है। इसमें आपने जो भी लिपस्टिक लगाई उसके ऊपर हल्का सा अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा शिमर और बड़ा ज़बरदस्त सा शेडो बन जाएगा फैंस, मतलब किसी प्रोग्राम में जाने के लिए। ये वाली लिपस्टिक जो है ना, ये भी अमेजिंग है। ये वाला कलर भी मेरा फेवरेट है और मैं अक्सर लगाती हूँ ये वाला मैट में, अमेजिंग कलर। और ये मेरा पेंसिल कलर्स, ये मेरी दो मेरे ज़बरदस्त पेंसिल कलर्स हैं, मेरे फेवरेट। और इसके अलावा ये भी मुझे, इसमें देखिए ये है सुपर स्टे 24, और इसके लिए है, इसमें कलर्स लिखा हुआ है। लेकिन ये देखिए इसका सिस्टम कैसा है कि हम इसको इधर से तो लिपस्टिक है ब्रश, और इसके ऊपर हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो ये 24 घंटे ये लिपस्टिक नहीं उतरेगी। लेकिन इतनी देर के लिए कोई मतलब, खैर कुछ लोग पार्टी के लिए। और इसमें भी ना वो बड़ा ज़बरदस्ती वो शेड है थोड़ी सी गोल्डन टच वाली। और ये मेरे वही ये हुदा वालों की मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये कलर अच्छा आया है। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैंने जितने भी कभी भी मैंने कोई भी ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है तो वो हमेशा हमेशा बेस्ट आती है। ठहर जा, मैं वाइंड अप करने लगी। जी तो गाइस, ऐसा है कि ये जो लिपस्टिक्स हैं ये मेरी वो हैं जो कि मतलब मेरे फेवरेट कलर्स हैं। इसके अलावा भी मेरे कुछ ऐसी लिपस्टिक हैं जो कि मेरे बैग में होती है और बहुत कम यूज़ होती हैं। तो चूंकि मुझे अपनी वीडियो बहुत शॉर्ट सी बनानी है, सो इस वजह से इसी यहीं पे मैंने इसको वाइंड अप करना है। और हार ज़रूर किया करें, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। कम टाइम की वजह से ये वो लिपस्टिक्स दिखा रही हूँ जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट्स है। इसके अलावा मेरे कॉलेज बैग्स में इधर उधर जो भी हैं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम वो 20 to 25 मिनट्स की मेरी वीडियो बनेगी। बिकॉज़ मेरे को मेकअप कलेक्ट करने का, मेरे पास मेकअप कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं कभी इंशाल्लाह बड़े बड़े व्लॉग बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ख्याल करें, रखिएगा, गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।